अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है सब दोस्तों, ठीक हो? तो वैसे ठीक है, मैं हूँ मोहम्मद फ़ियाज़, आप देख रहे हैं फ़ियाज़ पाकिस्तानी व्लॉग। तो ये वीडियो मैं बहुत ही अरसे के बाद बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, रोज़ा रोज़ नबवी के साथ बहर सहन में। ये सुबह का टाइम है, माशाल्लाह फजर की नमाज़ पढ़ के निकले हुए हैं, तो माशाल्लाह लोग कबूतरों को दाने वगैरह डाल रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तस्वीरें बना रहे हैं। ये मदीना पाक की इमारतें हैं खूबसूरत, अल्लाह पाक साहब को ले आए इधर। अल्लाह पाक रोज़ा रसूल की ज़ियारत हर मुसलमान को नसीब फरमाए। तो माशाल्लाह खूबसूरत मंज़र है, अपनी आँखों से देखें माशाल्लाह। तो ये लोग दाने बेच रहे हैं, कुछ लोग ख़रीद रहे हैं, डाल रहे हैं कबूतरों को। माशाल्लाह खूबसूरत माहौल, साफ़ सुथरा माहौल है। ये एक जगह बनी हुई है कबूतरों की, वैसे तो काफ़ी जगहें हैं यहाँ मदीने में, लेकिन ऐसी ऐसी जगह बनी हुई है जहाँ पर कबूतरों को दाना डाला जाता है ताकि दाना ख़राब ना हो, क्योंकि ये लोग रिस्क की बहुत कदर करते हैं। हमें भी करनी चाहिए, आपको भी करनी चाहिए रिस्क की कदर। पैरों तले नहीं डालना चाहिए, ऐसे ज़ाया नहीं करना चाहिए, तो मिट्टी में ज़ाया हो जाता है। इधर माशाल्लाह देखो खूबसूरत निज़ाम बना हुआ है। तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको भी इधर ले आए। तो मेरी वीडियो ज़रूर वॉच किया करो, एंड तक किया करो, क्योंकि मेरा दिल टूट गया है कि लोग वीडियो वॉच नहीं करते, व्यूज़ नहीं आते, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाता। तो आप लोगों की मेहरबानी होगी कि आप मेरी वीडियो देखा करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें। तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा और आपके लिए दुआ भी करता रहूँगा कि अल्लाह पाक आपको भी रोज़े रसूल की ज़ियारत नसीब फरमाए और अल्लाह पाक के घर ले आए, उम्रा नसीब फरमाए।